दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवारा, सांसद प्रवेश वर्मा ने दी नार्को टेस्ट की चुनौती। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर कथित भ्रष्टाचार में फंसे मनीष सिसोदिया से सोमवार को सीबीआई ने पूछताछ की। ये पूछताछ लगभग 9 घंटे तक चली। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने बयान दिया कि सीबीआई के अफसरों ने बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। इस मामले पर अब बीजेपी मनीष सिसोदिया पर हमलावर हो गई है और बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को नार्को टेस्ट की कड़ी चुनौती दे दी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि सीबीआई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया एक कागज लेकर पत्रकारों से बात करने आए। ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन की तरह मनीष सिसोदिया की भी याददाश्त चली गई है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से करने पर घिरे केजरीवाल, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना शहीद भगत सिंह से करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है और कहा कि आरोपियों की तुलना शहीद भगत सिंह से किया जाना बहुत ही घटिया राजनीतिक हरकत है और इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए। पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑपरेशन लोटस को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं उसका उन्हें सबूत देना चाहिए और जांच पूरी होने के बाद सीबीआई को भी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने लानी चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से की थी। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना महान शहीद भगत सिंह से की जा रही है। इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक हरकत शायद ही कभी देखने को मिली होगी। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उनका कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से कहना चाहते हैं कि आपने राजनीति में हर तरीके के निचले हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन जिस स्तर पर आप आज पहुंचे हैं और शहीद भगत सिंह का नाम भ्रष्टाचारियों के साथ लिया है, यह बहुत ही घटिया हरकत है और इस कथन को तुरंत वापस लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता ने की राहुल गांधी की भगवान से तुलना, कहा राम भी पैदल चले थे और राहुल गांधी भी पैदल चल रहे हैं। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। इन दिनों उनका कारवां कर्नाटक में है। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर डाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राम का नाम है उसी तरीके से राहुल गांधी का भी नाम रा से ही शुरू होता है। इससे पहले राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम से भी ज्यादा पैदल चल रहे हैं। जितना श्री राम अयोध्या से श्रीलंका तक चले थे उससे ज्यादा का सफर राहुल गांधी करेंगे। मीणा ने कहा कि जितनी दूरी भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक तय की थी राहुल गांधी उससे भी कहीं ज्यादा चलेंगे। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करेंगे। इसके बाद पटोले ने कहा कि भगवान राम और जगतगुरु शंकराचार्य भी पदयात्रा पर निकले थे, लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। जय श्री राम से तुलना नहीं है, लेकिन यह भी संयोग ही है कि दोनों का ही नाम से शुरू होता है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर हैं, लेकिन राहुल गांधी एक इंसान हैं जो कि मानवता की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के इन बयान पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में इस मुद्दे को लेकर भी अब विवाद शुरू हो गया। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम से बड़े कैसे हो सकते हैं, कांग्रेस नेताओं ने हमेशा ही भगवान को चुनने में गलती की है। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कि राहुल गांधी की तुलना श्री राम से करके हमारी संस्कृति का अपमान किया जा रहा है। इन लोगों ने गांधी परिवार की चापलूसी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अगली बड़ी खबर, आखिर कितनी मजबूत होगी नई कांग्रेस, 137 साल में छठी बार हुआ अध्यक्ष का चुनाव, आज घोषित होंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अब बदलाव के दौर में है। 24 सालों के बाद उसे गांधी नेहरू परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके अलावा 137 सालों के इतिहास में ये छठा मौका है जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया है। अब नतीजा आने में घंटों का ही वक्त बाकी है और आज मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से कोई भी एक नेता अध्यक्ष के तौर चुन लिया जाएगा। माना जा रहा है कि गांधी परिवार और अन्य सीनियर नेताओं का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को था, इसीलिए वही जीत हासिल करेंगे। ऐसे में सवाल यह भी है कि परंपराओं से अलग चलने की कोशिश कर रही नई कांग्रेस को वो कितना मजबूत कर पाएंगे। आपको बता दें कि करीब 96% मतदान हुआ है, हालांकि पूरे आंकड़े आने के बाद इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस चुनाव में उम्मीदवार हैं। गांधी परिवार से करीबी और कई वरिष्ठ नेताओं के समर्थन के चलते
मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आपका क्या मानना है? आज कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, गोवा जिला पंचायत उपचुनाव में खिला कमल, तीनों सीटों पर बीजेपी ने किया कब्जा। जेपी नड्डा बोले, पीएम मोदी की राजनीति पर लोगों को है भरोसा। ये आपको बता दें कि गोवा में बीजेपी ने जिला पंचायत उपचुनावों में भी जीत हासिल कर ली है। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को परिणाम जारी कर दिए हैं। इस जीत को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि देश भर के लोग पीएम नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील राजनीति में विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि गोवा में बीजेपी ने जिला पंचायत उपचुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने तीनों जिला पंचायत सीटों पर हुए उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है। चुनाव परिणाम मंगलवार को जारी किए गए। इस साल फरवरी में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संबंधित जिला पंचायत सदस्यों के इस्तीफा देने के बाद से इन क्षेत्रों में सीटें खाली थी, इसलिए ये उपचुनाव कराए गए थे। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले स्मार्ट शहरों की तरह बनेंगे स्मार्ट गांव, बदल जाएगी यूपी के गांव की सूरत। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब स्मार्ट गांव विकसित किए जाएंगे। ग्राम्य विकास के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मिलकर ये काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा माध्यम है। गांव के विकास की महायोजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव गरीब की सेवा करना हमारे स्वभाव में होना चाहिए, तभी हम सही मायने में गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने में पूरे तरीके से सफल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन व रोजगार देने में ग्रामीण विकास विभाग का कार्य बेहद सराहनीय है। इसका उदाहरण अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश का देश में सबसे आगे होना है। मनरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि स्मार्ट शहरों की तरह अब स्मार्ट गांव भी बनाए जाएंगे और इससे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अगली बड़ी खबर, मुंबई पात्राचौल घोटाले के मामले में 21 अक्टूबर तक बड़ी संजय राउत की न्यायिक हिरासत। यह आपको बता दें कि मुंबई के एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वो कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई जारी रखेगी। विशेष न्यायाधीश MG देशपांडे ने संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जब उन्हें मंगलवार को हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया, अदालत में संजय राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से से मिले, जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले के सिलसिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां पर आए थे। आपको बता दें कि फिलहाल संजय राउत की न्यायिक हिरासत अब 21 अक्टूबर तक आगे बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर जमकर भड़की प्रियंका गांधी, बोली सरकार के पास एक्शन के नाम पर केवल खोखले बयान हैं। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या कर दी। मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आतंकियों की करतूत को निंदनीय करार देते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास में एक्शन के नाम पर केवल खोखले बयान हैं। जनता और प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए ठोस काम कब किया जाएगा? अगली बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले असलियत में बलात्कारियों का साथ है। ये आपको बता दें कि 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के बलात्कार केस में दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। दरअसल सोमवार को गुजरात सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्होंने दोषियों की रिहाई केंद्र सरकार के कहने पर की है। 15 के दिन रेपिस्टों की रिहाई हुई थी। मंगलवार को ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त राहुल गांधी ने कहा कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर है। पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल ही किया है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में ASI के हल्फनामा ना दाखिल करने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, 31 अक्टूबर की दी आखिरी मोहलत। यह आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद से जुड़े मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की ओर से हल्फनामा दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बेहद कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हल्फनामा दाखिल न करने पर संस्कृति मंत्रालय पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है और ASI को जवाब दाखिल करने के लिए 31 अक्टूबर तक की आखिरी मोहलत दे दी है।
अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में स्टालिन विधानसभा में पेश करेंगे प्रस्ताव। यह आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन विधानसभा में केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार करने का अनुरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद स्टालिन के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को सत्तारूढ़ DMK की युवा और छात्र शाखा ने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का भी आरोप लगाते हुए तमिलनाडु में राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की थी। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हिंदी भाषा को कथित रूप से थोपने के खिलाफ केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान। बोले, गुजरात में सत्ता आते ही हर 4 किलोमीटर पर बनेगा एक स्कूल। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो वो एक साल के भीतर 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी स्कूल बनवाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। मनीष सिसोदिया ने कहा वो हर बात के लिए यहाँ तक की जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गुजरात में स्कूलों का निर्माण नहीं रुकेगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गुजरात के लोग अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं और चुनाव में उस राजनीतिक दल को वोट देंगे जो स्कूल बनाता है। आपको बता दें कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वो एक साल के अंदर अंदर 8 शहरों में हर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी स्कूल बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने इन दोनों नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का भी न्योता दे दिया है। इससे पहले बीते दिनों खबर आई थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कांग्रेस से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने कि शरद पवार और उनकी सांसद पुत्री सुप्रिया सुले ने इच्छा जताई है कि वे इस यात्रा का महाराष्ट्र में स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे में संभव है कि वे इस यात्रा का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। बड़ी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की भगत सिंह से तुलना करने पर शहीदों के परिवार हुए बेहद नाराज, कहीं अपमान न करने की बात। यह आपको बता दें कि शराब घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की क्रांतिकारी भगत सिंह से तुलना करने पर वीर शहीदों के परिवार बेहद नाराज हो गए हैं। क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों का कहना है कि देश की आजादी के लिए जान गंवाने वाले वीर शहीदों से भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना नहीं की जानी चाहिए। सस्ती राजनीति के लिए शहीदों और हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, ये उनकी महान छवि को खराब करने की कोशिश है। शहीदों के परिवार के लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने उनसे सभी बसों पर तिरंगा छापने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बाद भी ये वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से CBI ने पूछताछ की। इस पर अरविंद केजरीवाल और अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं ने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बता दिया, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों की आपत्ति इसी मामले से संबंधित है। शहीद भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया के इतिहास में भगत सिंह निस्वार्थ बलिदान के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। देश का बच्चा बच्चा इनकी वीरता की कहानियों को पढ़कर उनके जैसा बनना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। ऐसे में भगत सिंह जैसे महान का सस्ती राजनीति के लिए इस्तेमाल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश चुनाव में बैलेट वोटिंग से उम्मीदवारों का सिलेक्शन, BJP पहली बार कर रही नया प्रयोग। यह आपको बता दें कि इस बार हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर BJP एक नया प्रयोग कर रही है। इस बार उम्मीदवारों को चुनने के लिए पार्टी बैलेट वोटिंग का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अधिकारियों के अनुसार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग की राय भी ले रही है। इस मामले पर BJP राज्य इकाई के अध्यक्ष सुरेश कश्यप का कहना है कि हम एक कैडर और संगठन आधारित पार्टी है। BJP लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करने के लिए भी जानी जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम उम्मीदवारों के बारे में फैसला करने से पहले हम पार्टी कार्यकर्ताओं की राय भी ले रहे हैं। इस तरीके से सदस्यों की बात भी सुनी जा सकती है। पार्टी अधिकारियों का कहना है कि इस कवायद से जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का समर्थन हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता बैलेट वोटिंग के जरिए पार्टी को अपनी राय दे रहे हैं। बैलेट वोटिंग को स्वतंत्र और
निष्पक्ष रखने के लिए आंतरिक और गुप्त रखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये ओपिनियन संसदीय क्षेत्रों से लिया जा रहा है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक राय बन सके। आपको बता दें कि इस बार हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव में बैलेट पेपर के जरिए उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है। अगली बड़ी खबर, हरिद्वार के बाद संगम में प्रवाहित होंगी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां, आज अखिलेश यादव जाएंगे प्रयागराज। ये आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार के बाद अब प्रयागराज के संगम में प्रवाहित की जाएंगी। अखिलेश यादव आज अस्थि कलश लेकर प्रयागराज जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनने वाला है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।